नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल गुरु बाबा परमार में आपका स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में। फंगल इन्फेक्शन क्या है और इसके कारण, लक्षण और इसके प्रकार और कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा मैं। तो फंगल इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो हमारे शरीर में कई प्रकार के कवक और फफूंद से होता है, जिसमें प्रमुख है डर्मेटोफाइटिस और एक यीस्ट। ये जो फंगस है, इनके प्रमुख फंगस है, इनके कारण हमारे शरीर में फंगल इन्फेक्शन फैलता है। यहाँ हमारे शरीर में जहाँ नम स्थान रहता है थोड़ा, जैसे पैरों की उंगलियों में, जांग में, नाखूनों में, यह बहुत जल्दी फैलने लगता है। अब फंगल के क्या कारण हैं? तो गीले कपड़े पहनना, जूते पहनना या कट्टे फटे त्वचा या तंग कपड़े पहनना या एंटीबायोटिक्स लेना जिसकी इम्यूनिटी पावर कम होती है, उनमें भी फंगल इन्फेक्शन बहुत आसानी से फैल जाता है। अब इसके लक्षण, तो इसके लक्षण तो प्रकार के आधार पर बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो कॉमन लक्षण है मैं आपको बताता हूँ। जैसे त्वचा में खुजली होना या त्वचा में परिवर्तन होना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। अब आइए जानते हैं हम फंगल इन्फेक्शन के प्रकार, फंगल कितने टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले आता है टीनिया वर्सिकोलाई। तो टीनिया वर्सिकोलार यहाँ त्वचा की सबसे ऊपरी परत में होता है। यहाँ तेलीय, जिसकी तेलीय त्वचा रहती है उसमें सबसे अधिक होता है, लेकिन इसमें दर्द और खुजली नहीं होती है। तो ये टीनिया वर्सिकोलाई इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन का चित्र दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है, आपकी पूरे जो स्किन रहती है उसमें छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे बनने लगते हैं, जिसे टीनिया वर्सिकोलार फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। इसके लिए आप टॉपिकल क्रीम लगा सकते हैं जिससे ये इन्फेक्शन चला जाता है। अब दूसरे नंबर पर आता है जोंकिच या टीनिया क्रोसिस, फंगल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। यहाँ फंगल इन्फेक्शन अधिकतर महिलाओं में होता है, जो जांघों पे या स्तन पे, यह फंगल इन्फेक्शन ओनली महिलाओं में होता है अधिकतर। तो ये है टीनिया क्रोसिस जोंकिच, जो अधिकतर महिलाओं में होता है, इस प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है। एथलीट फंगल, यहाँ एथलीट जो फंगल है धावकों में होता है, क्योंकि वो जब दौड़ते हैं तो उनके पैरों में ये हो जाता है, जिसे एथलीट फंगल बोलते हैं। इसके लिए आप एंटी फंगल टेबलेट या ऑइंटमेंट ले सकते हैं। एथलीट फंगल, इसमें पैरों में इस प्रकार की स्किन निकलने लगती है, जिसे एथलीट फंगल कहते हैं। दाद या रिंगवर्म या टीनिया कार्पोरेसिस, यह फंगल इन्फेक्शन सबसे अधिक होता है शरीर में, जिसमें गोल गोल चकते बनने लगते हैं शरीर में। दाद या रिंगवर्म, जिसमें ये देख रहे हो आप चित्र में, ऐसे गोल गोल चकते बनने लगते हैं, और यह अधिकतर जांघों पे, पेट में, हर जगह पे होने लगता है ये वाला फंगल, तो दाद या रिंगवर्म कहते हैं। स्क्लेप का फंगल इन्फेक्शन, स्क्लेप या कैपिटस टीनिया या टीनिया कैपिटस बोलते हैं। यह इन्फेक्शन खोपड़ी में सबसे ज़्यादा संक्रमित करता है, जिसमें बाल झड़ने लगते हैं और धीरे धीरे गंजापन आने लगता है। स्क्लेप का दाद, जिसमें ये इस प्रकार जो आप देख रहे हैं, ऐसे बाल सिर में बाल गिरने लगते हैं और गोल गोल चकते के आधार पर आप धीरे धीरे गंजापन होने लगता है। अब आता है ओनिकोमाइकोसिस या नाखून वाला फंगल इन्फेक्शन, जो नाखून में होता है, जो नाखून धीरे धीरे इसमें टूटने लगते हैं, पीले पड़ने लगते हैं, जिसे बोलते हैं नाखून का फंगल इन्फेक्शन। नाखून में फंगल इन्फेक्शन जो देख रहे हैं आप, इस प्रकार नाखून में होने लगता है फंगल और नाखून धीरे धीरे टूटने लगते हैं। मुंह में थ्रश होना या कैंडिडा फंगल, ये कैंडिडा ईस्ट के कारण होता है, जो मुँह में सफ़ेद सफ़ेद जीभ पे एक पदार्थ बनने लगता है और मुँह में पीला पीला बनने लगता है, जिसे कैंडिडा ईस्ट के कारण होता है, इसे मुंह का थ्रश फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। ये देखिए कैंडिडा फंगल इन्फेक्शन जो ईस्ट के कारण होता है, ऐसे मुंह में सफ़ेद सफ़ेद ये पदार्थ जमने लगता है और मुंह हल्का पीला होने लगता है, जिसे कैंडिडा ईस्ट कहते हैं। तो मैंने आपको जो फंगल के प्रकार बताए, ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं फंगल के जो मैंने आपको बताए। इनके ट्रीटमेंट के लिए एंटी फंगल टेबलेट आती है, ऑइंटमेंट आता है, कुछ का तो मैंने आपको बताया है, और आप कुछ कमेंट करके आपको पूछना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब बेल आइकन बिल्कुल ना भूलिएगा करना। धन्यवाद दोस्तों।